और बिहार सरकार लगभग 5 लाख नौकरियों की रिक्तियां मांग चुकी है और बहुत जल्द ही सभी बहाली भी होने वाली है। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के समय ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के तमाम नेताओं ने बिहार में नौकरियों के बारे में कहा था, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और विपक्ष इसे आड़े हाथों ले रहे हैं। इस पर राजद का कहना है कि तेजस्वी यादव जब से रोजगार की बात कर रहे हैं तभी से एनडीए का रोजगार पर ध्यान आया है, अर्थात जो नौकरियां बिहार सरकार दे रही उसका क्रेडिट तेजस्वी यादव को ही जाता है। दिशा में तेजस्वी प्रसाद यादव ने 2020 के चुनाव में जो वादे किए थे कि हम सत्ता में आएंगे तो 10 लाख के करीब नौकरियां देंगे और 17 महीने के कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने महागठबंधन सरकार के माध्यम से 5 लाख से ऊपर नौकरियां और 3.5 लाख के करीब रिक्तियां छोड़ करके वो आए थे। उन रिक्तियों को भरने की दिशा में बिहार सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और जब चुनाव परिणाम आया और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेताओं को लगा, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक साल के अंदर 12 लाख से ऊपर नौजवानों को सरकारी नौकरियां देने का प्रयास हो रहा है और बहुत जल्द हर एक विभाग में वैकेंसियां निकलना चालू हो गया है और निकलना जारी रहेगा और बिहार में उसी के अनुपात में रोजगार के भी अवसर दिए जाएंगे और ट्यूटर बॉय जो हैं वो अपना फीट अपने थपथपा करके और नौजवानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी विकास का एक इतिहास लिख रहे हैं और एनडीए सरकार रोजगार से लेकर के नौकरी तक सारे चीज बिहार के नौजवानों को रात दिन देने के लिए प्रयत्नशील है और माननीय ट्यूटर बॉय रात दिन बिहार के नौजवानों को भड़काने के लिए और बिहार में अपराधियों को भड़काने के लिए प्रयत्नशील है।